वैसे जो प्लांट आपने लगाया उसे देखते हैं, आ जाओ। चलो वाओ अथर, ये देखो आपने जो प्लांट सीड्स डाले थे। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग जो है सैटरडे मॉर्निंग से स्टार्ट है। तो अथर्व का एक्टिविटी है समर का कि उनको रोज़ सुबह शाम प्लांट में पानी डालना सिखाना है। तो अथर्व ने जो सीड्स डाले थे, आप देखिए कितने प्यारे प्यारे पौधे उसमें निकल गए। फिर अथर्व को सिखा रही थी मैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में डालो। वो क्या करता है ना, जग से सारा का सारा पानी एक ही गमले में गिरा देता है। तो फिर मैं भी देख रही थी कि मिर्ची में फूल आ गए हैं, बहुत सारे पौधों में फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे। ये टमाटर का पौधा है, अच्छा लगता है। उसके बाद से हमारे पुत्र जी ने कूलर में डाला पानी मुस्कुराते हुए बोल रहा था, मम्मा मैं आपकी सिस्टर हूँ ना। हाँ बेटा, आप मेरे सिस्टर हो। फिर क्या था, तो अथर्व के पापा ने लाया है आज आम, उनको आम रस खाना है। तो पता है गर्मियों में आम खाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप आम को जब भी लाते हो कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दो, या आप ओवरनाइट भी भिगो के इसे रख सकते हो। इससे क्या होता है ना, आम का जो तासीर होता है ना वो थोड़ा गर्म होता है। कभी कभी डायरेक्ट आम खाने से ना पेट में तकलीफ़ हो जाती है, किसी किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आम को पानी में भिगो देंगे। इससे क्या होता है, आम की में जितनी भी गर्मी होती है वो सब बाहर आ जाती है इसकी, ठीक है। उसके बाद से आप चाहे तो इसको मैंगो शेक बनाएं, आम रस बनाएं, कुछ भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो शाम हो चुका है और डिनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फटाफट चढ़ा दी शाम की चाय। दिन में कुछ खास नहीं था तो इसलिए दिन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो शाम को चाय चढ़ा दी है और इधर मैं बनाने जा रही हूँ चिया सीड्स पुडिंग, मैंगो वाली। तो सबसे पहले बाउल में मैंने ले लिया था 1 ग्लास दूध डाल दिया था मैंने, 1 टेबल स्पून चिया सीड्स। अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, ये फूलता रहेगा अपना। और हम लोग तैयार कर लेते हैं अपना मैंगो प्योरे, इसको साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आम निकाल के, पता है आम का प्योरे निकालने का मतलब मैंगो पल्प निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, हल्का हल्का हाथ से आप रब करिए और ये देखिए ऊपर से हमारे देसी भाषा में इसको कहते हैं चोक। तो इसको निकाल देंगे ना तो ये कभी कभी इसको इससे ना आपके लिप्स के साइड साइड में वो फुंसी फोड़े भी हो जाते हैं। तो वो निकाल दिया, फिर आराम से सारा इसका निकाला पल्प, उसको अच्छे से चम्मच से स्क्रब करके अंदर से निकाल लिया। फिर इसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के। अब देखिए अभी जो हमने चिया सीड्स डाला था उसमें हम एज पर टेस्ट अकॉर्डिंग 6 से 7 8 जितना टेबलस्पून आपको मैंगो डालना है आप उतना टेबलस्पून मैंगो डाल सकते हैं। मैंने 6 स्पून डाला था मैंगो पल्प इसमें। फिर अच्छे से करेंगे मिक्स इसको आराम से, ये देखिए। अब इसको हम आराम से, अब इसमें टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे इसमें शहद। तो शहद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए, या फिर आप शहद को स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी दूध चिया और मैंगो की वजह से मीठा हो ही जाएगा हल्का फुल्का खाने के लिए। तो ये जो हेल्दी डाइट है ये है मेरे ब्रदर के लिए सरप्राइज ब्रेकफास्ट संडे मॉर्निंग के लिए, उसको पता नहीं है। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ फटाफट, आराम से पूरी रात फ्रिज में पड़ा रहेगा, ठंडा भी रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो अब बना लेते हैं हम आम रस। तो मैं जो पल्प बचे थे उसमें 1/4 यानी कि 4 टेबल स्पून डाल दिया था इसमें चीनी, नमक हल्का सा और चुटकी भर डाल दिया था मैंने भुना जीरा पाउडर। इतना टेस्टी है आम रस बन के रेडी होगा ना। और डालेंगे थोड़ा और पानी क्योंकि थोड़ा सा पतला सा मुझे बनाना है, क्योंकि हमें खाना है आम रस विथ पूड़ी। तो ये हमारा सुपर टेस्टी मतलब माइंड ब्लोइंग आम रस बन के रेडी हो चुका है, मैंने तो टेस्ट भी कर लिया है। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में कि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा ठंडा आम रस बहुत अच्छा लगता है। बाकी की तैयारी करेंगे इनको फ्रिज में रख के, अच्छे से कैप लगा देते हैं इसका। तो आमरस भी गया फ्रिज में, अब मुझे बनानी है भिंडी की सब्जी। तो हींग जीरा प्याज का तड़का देके आलू ही डाला था, तब तक मेरी माता जी का आ गया फ़ोन और इसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी करनी है।
तो मैं बात करने लगी तो फिर सिंपल सा था, भिंडी डाल करके, नमक हल्दी डाल के अच्छे से भुजिया बना लिया था, और ये रही पूड़ी, भिंडी और आम रस। तो रात में मेरी और अथर्व की आदत है, हम लोग डिनर के बाद सोने से पहले पहले ब्रश करते हैं, और ये नाइट जेल क्रीम है पिलग्रिम्स का, बहुत अच्छा है, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा दिखा रहा है मेरे जो चेहरे पे स्कार है, जो थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट है, थोड़े लाइट हुए हैं इसको यूज़ करने से, बाकी देखते हैं। अभी पहले 10 दिन हुए हैं यूज़ करते करते, तो फटाफट करते हैं बिस्तर सा और सोते हैं, तो सैटरडे का ब्लॉग यहीं बंद करते हैं। गुड नाइट, मिलते हैं संडे मॉर्निंग को, मंडे मॉर्निंग कह रही हूँ, कूलर को अपनी तरफ करते हुए मैं सो गई। चलो सोते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है संडे मॉर्निंग का ब्लॉग। तो संडे को मैं बना रही हूँ आलू की सिंपल वाली सैंडविच सबके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस फटाफट बनाऊँगी सैंडविच। और इधर मैं सैंडविच बना रही थी सबके लिए, उधर हस्बैंड ने भाई से कह दिया था समोसों में से लाने के लिए। एक्चुअली दिल्ली में ना समोसे मॉर्निंग में मिल जाते हैं इजीली। अब देखो ये मेरा मंकी कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो ज़रा, यहाँ बैठ के ये मूवी देख रहा है। सैंडविच खाएगा क्या? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फोन देख रहे हो, क्या देख रहे हो? तो चलो कुछ नाश्ता कर लो, आ जाओ। चलो फटाक से, मामा समोसे लाया है। यूहू, कौन खाएगा समोसे? समोसा लवर। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो समोसे खाने। फिर जो रात में चिया सीड्स भिगो के रखे थे फ्रिज में, अब उसमें थोड़े से टॉपिंग डालनी है मुझे। तो ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुका है, मैं आपको चम्मच से भी चला के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए परफेक्टली रेडी हो चुका है ये मेरा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से चॉप मैंगो। मैंगो बहुत अच्छे मिल गए थे, मीठे हैं ये मैंगो टेस्ट में, दशहरी है। फिर थोड़े से चॉप आलमंड डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा बस इसका लुक दिखाने के लिए मैं छोटे छोटे मिंट लीव्स थे मेरे किचन गार्डन में, वो डाल दिया था मैंने। तो उसके बाद से मैं लंच बनाने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, इतना पेन था मेरे पेट में और बैक में। तो भाई ने लंच बनाया, यहाँ थोड़ा मस्ती कर रहा है मेरे साथ, इनको बिग बिग टमी चाहिए, तो बस बिग टमी बना के ये घूम रहे थे। फिर भाई ने बनाया था लंच, आलू की भुजिया, दाल और चावल। तो शाम के 5 बजे तो मैंने लंच किया था, थोड़ा थोड़ा साथ में अथर्व को भी खिला दिया था मैंने। उसके बाद से सबसे पहले तो मैं जाके पेन किलर खाई कि मुझे थोड़ा रिलैक्स मिले। तो जब रिलैक्स मिला तो मैं आगे जोश में, तो फटाफट वही तब मेरी हेल्प भी कर रहे हैं, पापा के लिए बन रही है चाय अथर्व के, इनको आज खुद इलायची और काली मिर्च कूटना है। तो ये भी अथर्व का होमवर्क का एक पार्ट था कि बच्चों को एक्टिव कराना है कि वो डांस करने पे डांस और फ्रीज करने पे फ्रीज हो जाते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा था, एंड में ये सीख गया था कि फ्रीज कहने पे वो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में इसको फ्रीज होना है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छी अच्छी समर वेकेशन एक्टिविटीज़ दिए उन्होंने, थोड़ा मेरे लिए तो हैक्टिक हो ही गया है लाइफ कि घर संभालना है, होमवर्क करना, उसी में तबीयत भी भयंकर मेरी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल दवा खा करके बेटा अब डिनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज खुशबू अच्छी आ रही है, क्या आ रही है बताओ? पानी की दाल आ रही है मुझे।
तगड़ा खुशबू आ रही है। तो ठीक है, मम्मा ने बनाया है दाल। तो मैंने बनाया था दाल मखनी, पनीर मखनी। नो डाउट, अगर आपको पनीर, मेरी स्टाइल में पनीर मखनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ। नो डाउट, अगर आप मेरे स्टाइल में पनीर मखनी बना लेंगे ना, तो घर वाले ना हाथ चूमते रह जाएंगे आपका। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, हस्बैंड भी बाहर अंदर आके कह रहे हैं कि पता चल रहा है किचन में कि तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में से। तो मैंने बोला हाँ, दवा खा करके चलना है तो चलना है। तो फिर फाइनली डिनर हो चुका है रेडी, थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं क्रीम से अभी फ़िलहाल। बाद में जब तुरंत सर्व करना होगा तो मैं डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी धनिया की पत्ती। तो फटाफट मुझे बनाना है बूंदी का रायता। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने गाढ़ी गाढ़ी सी दही ले ली है, उसमें डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, काला नमक स्वाद अनुसार, सारी चीज़ें स्वाद अनुसार, आपको कितना मीठा, कितना खट्टा, कितना तीखा करना है। अब दही अपने, मेरी दही बिल्कुल फ्रेश है इसलिए मैंने थोड़ा सा भी मीठा करने के लिए कुछ भी नहीं डाला है इसमें। फिर अच्छे से दही को फेंट लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बूंदी, बूंदी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बूंदी जो है ना दही को सोक कर लेगी। तो एक तो दही रायता तभी बनाए जब आपको खाना हो, और अगर थोड़ा पहले बना रहे हैं तो पानी इतना डालें कि अगर, और उसको बना के फ्रिज में रखें कि अगर बूंदी इस रायते को सोक भी कर लेती है तो भी वो अच्छा खासा रहे और ठंडा ठंडा रहे। उसके बाद मैंने बनाया था आज तंदूरी रोटी। आटा गूंद लिया था वही नॉर्मल तरीके से, उसमें लगाया था थोड़ा, इट्स ओके, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हरा धनिया और मंगरेल डाल के एक तरफ पानी लगा के अच्छे से उसको तवे पे चिपका दिया था, लोहे के तवे पे, ठीक है, नॉन स्टिक तवा नहीं यूज़ करेंगे। फिर तवा बहुत भारी था तो फिर एक साइड तवे को उठा करके मैंने ऐसे सेक लिया, तो थोड़ा तंदूरी लुक आ गया इस पर। उसके जो बची खुची कसर थी मैंने चिमटे से गैस पर सेक लिया था, उस पर लगा सकते हैं आप बटर, घी, कुछ भी लगाए। तो मैंने ऐसे करके रोटियाँ, कुछ रोटियाँ ऐसी बनाई, हस्बैंड को बिल्कुल पतली पतली नॉर्मल रोटी चाहिए उनके लिए नॉर्मल रोटी बनाई, भाई को खाना था पराठा तो वो बनाया। तो ऐसे हमारी तंदूरी रोटी बन के रेडी हो गई। इसमें पता है इतना अच्छा स्वाद आ रहा था मखनी के साथ खाने में, क्योंकि इसमें जो मैंने मंगरेल यूज़ किया था ना, ये इस रोटी का स्वाद बढ़ा दिया था। तो इसमें लगाएंगे खूब सारा बटर। अब लगाते हैं थाली। तो ये लगा लिया दही का रायता था मेरा, मखनी, दाल मखनी, पनीर मखनी, भाई के लिए रखा पराठे, अपने लिए रखी तंदूरी रोटी, और इसके साथ संडे भी ख़त्म, ब्लॉग भी ख़त्म। अगर आपको पसंद आता हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।